नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल प्रकृति और में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप एक खूबसूरत सा फूल आप लोग देख रहे हैं, यह फूल किसी और चीज़ का नहीं है, ये एक बहुत ही अच्छे खट्टे मीठे फल का एक फ्रूट का पौधा है। यह फूल है, ये वैरायटी बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर। इसे पतझड़ के मौसम के बाद इसमें आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे फूल कली निकले हुए हैं, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। यह कम समय में अधिक फल देने वाली वैरायटी होती है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे फल लगते हैं। इस पौधे का नाम आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत फूल पूरे पौधे पे, हर एक डाल पे लगा हुआ है। ये वाइट पिंक कलर का ये खूबसूरत सा फूल देखने में बहुत ही सुंदर मनमोहक दृश्य लगता है। ये जितना फूल देखने में सुंदर लगता है, उतना इसका फल भी सुंदर और खाने में स्वादिष्ट और फायदेमंद होता है। आप लोग देख सकते हैं इसमें पंखुड़ियाँ सब निकल गई हैं इस पौधे में, इस फूल में। आप लोग देख सकते हैं सिर्फ इसका पेटल्स बचा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर फूल है। यह पौधा जो है, यह पौधा है आड़ू का पौधा, आड़ू के पौधे, इसको इंग्लिश में पीच भी कहते हैं। ये पीच का पौधा है, इसमें बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अधिक फल देने वाला ये पौधा होता है। कम समय में किसी भी मिट्टी में आसानी से इसको उगाया जा सकता है। आप लोग इसे पत्ता भी देख सकते हैं, पत्ता भी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। आप इसे घर आंगन में लगा सकते हैं दोस्तों। अगर इसको मिट्टी पर लगाएंगे, ज़मीन पर लगाएंगे, तो अधिक से अधिक यह फल देगा। गमले में लगाएंगे तो इसमें से फल निकलना मुश्किल होता है, लेकिन ये कम समय में ही बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं और अधिक से अधिक ये फल देते हैं। ये मात्र हम इसको घर पे लगाए थे, मात्र 1.5 साल का पौधा है। आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी इसमें फूल लगा हुआ है। आप इसके मैं पौधे को हम दिखा रहे हैं, इसमें इतना मतलब हर एक गांठ पे इसमें आप लोग देख सकते हैं इसमें ब्रांचेस निकली हुई हैं। हर पुराने ब्रांच में इसमें से आप देख सकते हैं इसमें फूल आया हुआ है, जो काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी सुंदर है। दोस्तों, अगर जो आपके घर पे ज़मीन हो, आप लोग नीचे देख सकते हैं कितने जैसे गुलाब की पंखुड़ी के जैसा ये फूल गिरा हुआ है, लेकिन ये फूल ये आड़ू का ही पौधा है। आड़ू के पौधे का जो पेटल्स होते हैं वही ज़मीन के नीचे गिरे हुए हैं। दोस्तों, अगर आपके घर पे ज़मीन हो तो आप इसको ज़रूर लगाइए, देखने में काफ़ी खूबसूरत इसकी फ्लावरिंग है। इसमें फूल का भी काम करेगा और फल भी देगा। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही सुंदर इसका फ्लावरिंग लगा हुआ है, फूल लगा हुआ है। दूर से देखने में इसको लगता है कि किसी फूल के का पौधा है, लेकिन नहीं दोस्तों, ये फ्रूटिंग इस आड़ू का ही पौधा है। इसको पीच अंग्रेजी में कहते हैं, ये पीच का पौधा होता है। यह एक पौधा करीब करीब 1 साल में, मतलब एक सीजन में करीब 2 से 2.5 क्विंटल तक फल दे सकता है। तो दोस्तों, ये अभी वैरायटी काफ़ी अच्छी है, बहुत ही सुंदर वैरायटी है। दोस्तों, अगर जो आपके घर पर ज़मीन हो तो आप उस पर भी उगा सकते हैं। इसे कोई ज़रूरत नहीं है इसको कलम करने का, आप इसको बीज के द्वारा भी उगा सकते हैं। यह बीज, इसका बीज जो होता है बादाम के जैसा इसका बीज होता है। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं इसका पत्ते की खूबसूरती, आप देख सकते हैं पत्ते भी काफ़ी खूबसूरत होते हैं, इसके फल भी काफ़ी खूबसूरत होता है, और फूल तो आप देख ही रहे हैं कितना खूबसूरत फूल लगा हुआ है। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे यूट्यूब चैनल प्रकृति और को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अट्रैक्टिव खूबसूरत फूल आपको दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों, यह कोई फेक वीडियो नहीं है, ये अपने हम अपने घर पे ही लगाए हुए हैं। यह पौधा आप लोग देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सुंदर सा यह फूल है, यह पौधा है। आप अपने घर पर लगा सकते हैं, अगर थोड़ी सी भी ज़मीन हो तो उसमें भी इसको लगाया जा सकता है। इसका फल भी काफ़ी स्वादिष्ट और काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, हेल्थ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों, ये हर एक वैरायटी पे नीचे से ही फूल इसमें लगा हुआ है,
आप लोग देख सकते हैं।